हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम लोग करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी यांत्रिक के लिए साइंस का टॉप 500 क्वेश्चंस का पार्ट 12, ठीक है। और आपका एग्जाम डेट आपको आ गया है, और आपका एग्जाम डेट कब है, किस डेट को है, कहाँ किस सिटी में है, वो चीज़ आप कॉमेंट करके वीडियो में बताना, फटाक से पहले बता दो, ठीक है। अभी चलो गाइस, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं NDA NA एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको NDA रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ ही नेवी SSR AA एयरफोर्स ग्रुप X की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, NDA का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो देखो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर से, क्या कहना चाह रहा है सुन लो इसकी बात। कह रहा है जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है भाई इसमें से? देखो, खाना जितना देर तक पकाओगे आपको लगता है कि वो टेस्टी हो रहा है, बट उसके अंदर की प्रोटीन्स जो है वो जल जाती हैं, तो फिर खाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, बिकॉज हमको प्रोटीन मिलती है। कुछ लोग देखो, ज़्यादातर प्रोटीन्स आपको मटन चिकन मिलते हैं, बट जितना ज़्यादा उसको जलाओगे उतना ही कम उसमें से प्रोटीन वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अंडे में आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है, रीज़न क्योंकि उसको जलाया नहीं जाता, ज़्यादातर बॉयल करके खाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो क्या कह रहा है ये। मनुष्य का हृदय डैश भाग का बना होता है। देखो, हर एक इंसान में भाग होता है, भाग का मतलब चैम्बर्स, ठीक है, इंग्लिश में जो कहते हैं। हृदय जो है हर इंसान, हर प्राणी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग भागों में बटा होता है, ठीक है। चैम्बर्स जो होता है, अपने हृदय के अंदर चैम्बर्स होता है, तो किसी में चार होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में एक होता है, इस तरीके से बटा हुआ है। जनरली हमारे ह्यूमंस के जो भी हैं वो चार भाग में, हृदय जो है चार भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमन से रिलेटेड पूछता है बार बार एग्जाम में। आगे देखो, आगे कह रहा है क्या, सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना, जो बाहर से घेरे रखती है उसको, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा को चारों तरफ से घेरे रहती है, ठीक है ना। वो अर्ध पारगम में होती है। अर्ध पारगम में क्या है, तो मतलब ट्रांसपेरेंट पूरी तरीके से नहीं, ठीक है ना, एक झिल्लीदार जिसमें से इस पार से उस पार थोड़ा बहुत दिखता हो, पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिख रही है, बट कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझ लो आप लोग। और अंदर की चीज़ें पूरी तरीके से बाहर नहीं आए, बहुत ही कम रिसाव होकर आती है अंदर बाहर, वो चीज़ें कहते हैं हम लोग अर्ध पारगम में, ठीक है ना। चलो अभी देखो गाइस ये क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जनरली आपने दो सोडा का नाम सुना होगा, एक बेकिंग सोडा और एक कपड़े धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब खाना बनाने वाला सोडा, जिसको खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक धोने वाला सोडा होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा। तो इन दोनों सोडा को एग्जाम में याद रखना, बिकॉज ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धोने वाले सोडे के रासायनिक नाम क्या है। ध्यान से सुनो, धोने वाले तो सोडियम कार्बोनेट, खाने वाले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कैसे करें, जब हम कुछ खाते हैं तो ज़्यादा चटपटा और चीज़ ऐड कर देते हैं, तो वैसे ही सोडियम कार्बोनेट में हमने एक चीज़ ऐड कर दिया, बाई किया, फिर हमने खाया, समझ गए, इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखो, एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो वो 120/80 mm होता है। कुछ लोग इसको उल्टा बोल देते हैं, ठीक है, ऑप्शन तो नहीं दिया, बट आपके एग्जाम में दे सकता है 80/120 mm। भैया इसको याद रखना, ऊपर बड़ा नीचे छोटा रहेगा, ठीक है, 120/80 mm रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में इसको उलट के भी दे सकता है, और ऑप्शन एक करेक्ट, देखो एक करेक्ट ऑप्शन भी देगा, और साथ में कुछ यहाँ पे 180/120 कर देगा, तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन जो है एक तरीके की एंटीबायोटिक है। अच्छा, मैंने पढ़ाया था आपको कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एक वो वैज्ञानिक थे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम था, ठीक है, स्कॉटिश क्या थे, वैज्ञानिक थे वो, ठीक है ना। तो ये कौन थे भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन का खोज किया था, ठीक है। और जनरली पेनिसिलिन का मतलब कहाँ से प्राप्त होता है, तो शैवालों से प्राप्त होता है, ठीक है, समुद्री शैवालों से।
आगे देखो 27 नंबर क्या कह रहा है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, और एक ये ऐसा शुद्ध रूप है जिसको चाटते ही लोग मर जाते हैं, सोचो इतना कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें, वो है हीरा। जी हाँ, जो ओरिजिनल हीरा होता है, आपने सुना होगा कि ओरिजिनल हीरा को अगर कोई चाट ले तो वह इंसान मर जाता है, बिकॉज उसके अंदर कार्बन बहुत हेवी मात्रा में मिलता है, इसीलिए हीरा को कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म कहा जाता है, सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है, समझ में आया ना, तो ये बात याद रखना। बल की इकाई क्या है, बल, बल फोर्स वाला बल, ठीक है, इसको न्यूटन कहते हैं। बल की इकाई क्या कहते हैं भाई, न्यूटन, तो ये याद होगा। बाकी सबको मैंने पढ़ाया है, वाट को भी पढ़ाया, वोल्ट को भी पढ़ाया, जूल को भी, तो ऑनेस्टली आप जो कमेंट करके बताना इन तीनों में से ये किनके किनके इकाई है, ठीक है ना, वाट किसकी इकाई है, वोल्ट किसकी इकाई है, जूल किसकी इकाई है, मैंने सब कुछ पढ़ाया है, ऐसे ही मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, साइंस की सीरीज में मैं सब कुछ पढ़ाते आ रहा हूँ। अभी देखो ये क्या है, बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये बाह्य कक्ष क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एक SPDF वाला, ठीक है, SPDF एक पढ़ा होगा ना, कि इलेक्ट्रॉन्स बटे होते हैं अपने कक्ष में इस तरीके से, ठीक है, एक S हो गया, D हो गया, SPDF में इस तरीके से, तो सबसे बाह्य कक्ष में जो होता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ना था 12th क्लास में, और थोड़ा बहुत आपको 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना था, बट 12th में इसको डेप्थ में पढ़ना था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। अभी क्या कह रहा है गाइस, देखो यहाँ पे कि लाल वर्ण जो है ना, लाल वर्ण लाल कणिकाओं में निम्न में पाया जाता है, लाल वर्ण लाल कणिकाओं में निम्न पाया जाता है, तो ये लाल वर्ण का मतलब, ये आप लोग RBC जो सुने हो ना, रेड ब्लड कॉर्पल्स जो पाया जाता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन, लाल वर्ण जो है लाल कोशिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो मैंने जस्ट बोला था लाल ब्लड जो ब्लड रेड क्यों हो रही है, बिकॉज उसके अंदर हीमोग्लोबिन हो रहा था इसके वजह से, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखो कह रहा ना कि नेत्र दोष का नाम बताओ जिसमें व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता, मतलब एक ही साथ उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल चीज पे फोकस नहीं कर सकता, उसको अबिंदुकता कहते हैं, ठीक है, याद रखना, जब कोई इंसान वर्टिकल और हॉरिजेंटल को एक साथ फोकस नहीं कर पाएगा उसको अबिंदुकता कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया क्या कह सकते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा तब कोई काम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, अवायवीय श्वसन, ठीक है, अवायवीय श्वसन मतलब वायु जहां पे ना हो उसको कहते हैं अवायवीय, ठीक है, और वायवीय का मतलब वायु जहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो ध्यान रहे। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बोन मैरो का नाम सुना होगा, अस्थि मज्जा, ठीक है, उसमें आपकी RBC बनती है, RBC लाल रक्त कोशिकाएं जो है आपकी अस्थि मज्जा में बनती है, तो बोन मैरो का नाम तो सुना होगा, आई होप मूवी वगैरह देखते हो आप लोग। दूध को दही कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, दूध को, अच्छा ये सवाल तो पूछ के मतलब कचरा कर दिया, बहुत बड़ा है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, अब यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे कि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड आता है, मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। आगे देखो, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मानव रक्त में प्लाज्मा भले 55% रहता हो लेकिन प्लाज्मा के अंदर जल जो होता है वो 90% होता है, ठीक है, मानव रक्त में प्लाज्मा भले 55% होता है लेकिन प्लाज्मा के अंदर वाटर जो होता है वो 90% होता है, ये याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बॉडी की लगभग 70% हिस्से में वाटर है, पानी से बना है, ठीक है, तो इंसान को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है, किण्वन प्रक्रिया निम्न में से किसका निर्माण होता है, देखो किण्वन प्रक्रिया का मतलब मैंने बताया था आपको ना, एक दो पिछली वीडियो में, दो तीन वीडियो पीछे जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है, साइंस की मैंने प्लेलिस्ट तो खैर बना दी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक्सेस कर लो, टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्विजेज होती हैं। अभी किण्वन के बारे में मैंने बताया था कि सड़ाने गलाने वाली प्रक्रिया को लगभग हम लोग किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, और शराब जैसे बनता है ना, हर चीज़ों को सड़ा के ही बनता है, आपको पता हो ना, मैं बता दूं, जितने भी फ्रूट्स से बनते हैं तो फ्रूट्स को सड़ाया जाता है, ठीक है, झारखंड में भी एक चलता है, तो झारखंड से नहीं हो बट मैंने सुना है वहाँ पे चावल और घास को सड़ा के एक शराब बनाई जाती है, इस तरीके से बहुत सारी जो होती हैं शराब बनाई जाती हैं अक्सर चीज़ों को सड़ा सड़ा के, जिसकी वजह से इथाइल अल्कोहल जो है शराब बनाने में काफ़ी काम आता है, इसको भी किण्वन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखो लोहे में जंग कब लगेगा, याद करने का मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको, जब वो नमी में आएगा, ठीक है, और नमी में आया मतलब पानी, नमी में पानी होता है ना, और पानी का मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O हुआ ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली, और जंग लगने का कारण क्या हुआ, ऑक्सीकरण, समझ में आ गया ना, तो ऑक्सीकरण,
ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीकरण होगा और उसमें जंग लगेगा। अभी देखो, कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आहरण का मतलब तार के रूप में, एक वायर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है, वो बिजली का वायर नहीं, मतलब खींच खींच के लंबा कर सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? उसको हम तन्यता कहते हैं, मतलब तन्य होता है। अगर जैसे कुछ लोह, मान लो सोने है, सोना है, ठीक है, उसको हम खींच खींच के लंबा बना सकते हैं, पतला तार लंबा का, इसका मतलब सोना तन्य है, थोड़ा बहुत भी है। एक प्लास्टिक होता है, पता है ना, वो प्लास्टिक को खींच दें तो पतला लंबा तार की तरह खींच सकते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, तन्यता, ठीक है, यही गुण है उसकी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो ये तो केमिस्ट्री का है, H2O2, ठीक है, याद रखना। आगे क्या कह रहा है गाइज, रुक जा भाई थोड़ा ऊपर जा। हवा में ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो कितना होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का तो मैंने बताया था आपको अभी, ऑक्सीजन का, अच्छा नाइट्रोजन का कितना होता है? मैंने पिछले 2 लगातार वीडियोस में पढ़ाया था आपको नाइट्रोजन का, कमेंट करके बताना, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन होता है 20.99% लगभग, ठीक है ना, तो ये डेटा भी याद रखना है। ऐसे करते करते मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम तक पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। और हाँ, टेंशन मत लेना, बसरते कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। और वीडियो को लाइक करके A to Z स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो घंटी का निशान होगा उसको भी ऑल पे ले जाकर फिक्स कर देना, ताकि जब जब नई वीडियोज़ को मैं अपलोड करूँगा ना, तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक काम, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा।